हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बाजू की कटिंग करना और सिलाई करना सीखेंगे। ये बाजू में डिजाइन है थोड़ा सा, तो हम लोग इसकी सिलाई करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो बाजू की कटिंग है उसे आप बीचों बीच बराबर करके काट लेंगे। ये काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ इसे शुरू से देखना है। यहाँ पे हम लोग मोड़ लेंगे थोड़ा सा, ये हेमिंग के लिए होता है। यहाँ पे हम लोग दोनों बाजू में एक जैसा मोड़ लेंगे और फिर इसमें हम बर्फी के आकार का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब हमने मोड़ लिया है इसे। अब हम लेंगे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ा, ये 2-2 इंच का है। इसे आप मोड़ के इसे ट्रायंगल के जैसा बना लेंगे और इसे इसके ऊपर में रख कर सिलाई करेंगे। यहाँ पे आप कम से कम 5 बना लेंगे, मतलब 5 एक पल्ला में और 5 दूसरे में। मतलब ऐसा है ना कि जैसे एक बाजू में 10 लगेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं समझ में ना आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको कुछ सिलाई से रिलेटेड शॉपिंग करना हो तो स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है आप वहाँ से कर सकते हो। ट्रायंगल को जोड़ने के बाद हम लोग इसे सीधा करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पर एक सिलाई कर देंगे, ताकि ये मजबूत भी रहे और देखने में अच्छे भी लगे। हमने यहाँ पे एक तरफ का तैयार कर लिया है। अब एक ही बाजू के दूसरे तरफ का भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम टाँकेंगे जो स्टोन होता है ना, छोटा छोटा, जिसमें 2 होल्स रहते हैं। अगर आपको ये वाला जो मोती होता है ना, या जो स्टोन, अगर आपको इसे परचेज करना हो तो स्क्रीन पे आपको जो लिंक दिख रहा है आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अंदर की तरफ से करके एक एक करके इसे अच्छे से बांध लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों स्क्रीन पे आपको जो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी दिख रही है, आप चाहें तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक तरफ बांध देंगे। ठीक है, इसे अच्छे से आपको बांधना है और धागा को खींच कर तोड़ना नहीं है, इसे आप कैंची से मैनुअली काट लेंगे। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है आप यहाँ से खरीद सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम इसे काट करके अलग कर देंगे और आपको यहाँ पे अच्छे से बांधना है, क्योंकि दोनों बाजू हैं इसी के अकॉर्डिंग वो जुड़े रहेंगे। यहाँ पे हमने चारों तरफ लगा दिए हैं। अब दूसरे पल्ला है, तो दूसरे पल्ला में भी हम ऐसे ही करके इसे दूसरे तरफ से इसे मिलाकर टांक देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है ना, उसे बराबर से बांध लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे का बांध लिया है। अब ये जो बीच से है हम इसे बांध देंगे। ऊपर नीचे का पहले हम इसलिए बांधते हैं ताकि जब ये थोड़ा सा इधर उधर हो तो वो हम उसे मैनेज कर पाएँ। ठीक है, इसलिए आपको भी पहले ऊपर नीचे का मिलाकर बांध लेना है और बीच वाला आप मैनेज वो मैनुअली कर सकते हो। तो दोस्तों, बस ये आज की वीडियो में इतना ही, और ये काफ़ी आसान भी था। हमने इसकी ब्लाउज भी सिलाई की है। ठीक है, अभी ये अच्छी लग रही है, और अगर आप चाहें तो इसमें बीच में स्टोन दे सकते हो और किनारे पे लेस। तो हमने किनारे पे इसमें लेस दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगी देखने में। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये भी देखने में अच्छी लग रही है। ठीक है, सिलाई करने के बाद हमारी जो ब्लाउज है कम्प्लीट हो गई है। बस ये नॉर्मल सी ब्लाउज थी और उसमें बाजू था थोड़ा डिजाइन मिला। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोल्ड शोल्डर वाला बाजू बनाना नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको स्टाइलिश जैसे रोज वाला लटकन होता है, या फिर चोली कट ब्लाउज की कटिंग, या फिर नॉर्मल कोई भी ब्लाउज की कटिंग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।